پاکستان زندہ باد مردہ باد مردہ باد پاکستان زندہ باد مردہ باد مردہ باد پاکستان مردہ باد مردہ باد مردہ باد پاکستان مردہ باد مردہ باد مردہ باد پاکستان مردہ باد مردہ باد مردہ باد پاکستان ہوس میں ہو ہوس میں ہو ہوس میں ہو پاکستان ہوس میں ہو बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम है राजा। क्या कहना चाहेंगे विरोध में? मैं ये कहना चाहूंगा कि अब स्ट्राइकल टू वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक टू हो जाए और मोदी जी अब तक जब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब तक हो जाए पार की पार। मैं प्रबोध अधिकारी महामंत्री वाराणसी व्यापार मंडल। प्रमोद जी आज आप लोग क्या किए? आज हम लोगों ने कल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हिंदुस्तान की सेनाओं पर जो अतिक्रम हमला किया गया उसके विरोध में आज पूरा हिंदुस्तान जन आक्रोश से डूबा हुआ है। उसी के तहत बनारस में मोदी जी के क्षेत्र से वाराणसी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आतंकवादी और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जुलूस निकाल करके यहाँ पुतला दहन करने का काम किया हम लोग लौरा बिल चौराहे पर। संदीप मिश्रा, संदीप जी किस तरीके का पुतला जलाया? जिस तरीके से कल पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ उस आतंकवादी हमले में हमारे देश के 42 नौजवान शहीद हुए, उन शहीद नौजवानों को पहले हम लोग का सशस्त्र नमन और साथ ही हम लोग आज बनारस के गोदोलिया चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूका गया है, देश के पाकिस्तान का झंडा फूका गया है। हाँ, और साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 56 इंच का सीना आप कहाँ गया? 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया है और देश हिंदुस्तान अब 56 इंच के सीने को पूछ रही है। हिंदुस्तान को बताइए कि 56 इंच का सीना कहाँ गया जिसमें 42 नौजवान हमारे देश में घुस के आतंकवादियों ने मार दिया। किसका आप लोग पूरा धन किया, क्या वजह रही है? कल आतंकवादियों ने जिस तरह कायराना पर हरकत करते हुए हमारे देश के वीर जवानों के ऊपर इन्होंने अटैक किया और वो मेरे वीर जवान शहीद हो गए, आज उसके विरोध में हम लोग पाकिस्तान और आतंकवादियों का रूस निकाल कर पुतला फूके हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने सैनिक मारे गए हैं उसके बदले में घुस के पाकिस्तान को पूरा साफ कर दिया जाए, तभी बनारस के और देश के लोगों का लहू सही होगा। क्या लगता है कि आपके पुतला दहन के माध्यम से सरकार से आपकी बात को सुनेगी? हाँ, ये पुतला दहन के मार्फत हम लोग अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और हम लोग को विश्वास है कि सरकार इसके ऊपर सही कार्रवाई करेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। नाम पर्चे बता दीजिए जी। क्या मानते हैं जो पुलवामा की घटना हुई है, किस तरह से उसको देखते हैं? पाकिस्तान द्वारा जो ये पुलवामा की घटना जो कुकृत किया गया है और जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी अधिक से अधिक मेरे पास सब नहीं की जितना इसकी बुराई की जाए। क्या मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए या सीधे पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो भी करें बहुत ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ये कुकृत्य दोबारा कोई पाकिस्तान या कोई भी देश चाइना वगैरह जो भी कि हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के जवानों के ऊपर, हमारे देश के पब्लिक के ऊपर, हमारे पूरा फोर्स के ऊपर कोई ऐसा कुकृत्य करने के लिए दोबारा सोचने से पहले 100 बार 200 बार 500 हजारों लाखों बार सोचे कि ऐसा दोबारा कुकृत्य ना करें। बनारस में भी कई बार आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं और आपका काम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है आपको ट्रैफिक का रूल का पालन करवाना और सारी चीज़ें देखते हुए आतंकी घटनाएं भी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो बहुत होता है लेकिन फिर भी उसी में हम लोग देखते रहते हैं, सबको अगर कोई संदिग्ध लगता है तो उससे पूछते हैं हम लोग हैं और जो अपने तरफ से सतर्कता बरती जाती है और जो भी होता है आपको ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी अपना देखती रहती है।